पिछली बार ऐसी कौन सी गलती होगी, क्या कमी रह गई कि आप चुनाव हार गए? ये आज के दिन में पश्चाताप है कि हमसे पिछली बार बहुत बड़ी भूल हुई और 2024 में उस भूल को हमें हर हाल में सुधारना है कि इस बार 400 का पार का जो नारा है प्रधानमंत्री जी, उस 400 पार के गुलदस्ते में एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी जाएगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट कहीं सबसे ज्यादा बढ़ा तो वो गाजीपुर की धरती पे ही बढ़ा कि गाजीपुर के लोगों ने भी पिछले 5 साल में अपना नुकसान सहा है और वो नुकसान गाजीपुर के विकास और गाजीपुर के लोगों के भविष्य का हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो असल माफिया वर्सेस नकल माफिया हो रहा है। नहीं नहीं, आरोप लग रहे हैं कि जो आपके प्रत्याशी हैं उन्होंने खूब कि मुलायम सिंह जी द्वारा उस पे लिखा गया है कि इसको उदाहरण के तौर पे प्रदेश में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो ऐसी तो इनकी कृत रहे हैं, तो ये दूसरों पे क्या बात करें। मनोज सिन्हा जी से कितने फोन पर बातचीत होती है, आप उनके पुत्र भी हैं, तो कभी चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा, मार्गदर्शन भी मिलता है, मगर वो पार्टी केंद्रित नहीं होता है। सिन्हा जी के पुत्र हैं, उसका फायदा मिल गया या फिर कभी नुकसान उठाना पड़ा है? मगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा, एक उदाहरण है। ऐसे तमाम पहला फोन अगर आप किसी को बधाई का देंगे तो वो गाजीपुर के प्रत्याशी आदरणीय पारस नाथ राय जी होंगे और मिठाई खिलाने में आपको खुद आऊंगा। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बड़े ही खास मेहमान हैं, नाम है अभिनव सिन्हा, भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, और एक दूसरा परिचय इनका ये है कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पुत्र हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किशले जी। गाजीपुर लोकसभा सीट में हमारा जो टीम है वो पहुंची है चुनावी कवरेज को लेकर, और इस बीच आपका समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपका गाजीपुर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, जब हम लोग कवरेज शुरू करने वाले थे, जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ था, तो उस समय आपका आपके नाम का बहुत चर्चा थी कि भाई इस बार जो है हमें देखने को मिलेंगे, आप आएंगे, क्या रहा आप, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पार्टी में कोई भी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बड़ा सोच विचार करके और बड़ा गहन चिंतन करके फैसला लेता है। हमारी पार्टी कोई दूसरे पार्टियों की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आज किसी के नाम का घोषणा, कल किसी के नाम का घोषणा। और जैसा मैंने कहा कि हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता को पूर्ण रूप से सर्वमान्य है। और हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। रही बात आपने जो हमारे नाम की चर्चा की, तो ये मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के नाम का अगर चर्चा भी हो गया तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पार्टी में दशकों तक समाज की सेवा में लोगों ने अपना जीवन खपा दिया है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कहीं चर्चा हुआ, तो मेरे लिए उससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। बारे में आपको भी पता हो कि आपकी चर्चा चल रही थी जी। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी पार्टी एक बड़ी कैडर बेस्ड और बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से समझ कर भी निर्णय लेती है। बिल्कुल, आप चुनाव नहीं, चुनाव में नहीं उतारा गया है, पारस नाथ राय जी को टिकट दिया, उसके पीछे कुछ रणनीति रही होगी। एकदम जरूर। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी निर्णय बड़ा गहन चिंतन मनन करके और कई बिंदुओं को, और ये फैसला कोई एक दो दिन में नहीं लिया जाता है, इस पे महीनों दर महीनों चिंतन चलता है और जिले से लेके मंडल से लेके प्रदेश से लेके केंद्र स्तर तक गहन चिंतन करने के बाद कोई फैसला होता है, और जो फैसला होता है वो एक एक सिपाही को भली भांति सर्वमान्य होता है और उसके पीछे हम लोग दम से दम लगा के खड़े रहते। चर्चा ये भी चल रही है कि इस टिकट को देने के पीछे इस बात की भी सोच है कि आपके लिए एक अच्छी सी सियासी पिच तैयार करना है, आपका डेब्यू अगर हो तो बड़े शानदार तरीके से हो, इसके लिए माहौल थोड़ा सा भी बनाया जा रहा है, जमाया जा रहा है, फिर जो है हमें आने वाले समय में आप दिखेंगे। किशले जी, देखिए, हम लोग जिस संगठन में हैं
हम लोग बचपन से एक बात सीखते आए हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो पद की आकांक्षा लेके तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं। हमारा मुख्य ध्येय एकमात्र बस ये होता है कि अपने क्षेत्र, अपने समाज के लोगों के प्रगति, उनके विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। जी अगर मैं आपको बताऊं तो जी मेरा 10 वर्षों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रहा है, वो सब छोड़ के पिछले 3 वर्षों से मैं समाज सेवा में आया हूँ। और जब से समाज सेवा में आया हूं तो कभी कोई इच्छा नहीं रही कि हमें कोई पद की लालसा है या किसी प्रतिष्ठा की लालसा है। बस ध्येय एकमात्र है कि इस बार 400 का पार का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उस 400 पार के गुलदस्ते में एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी जाएगा। पिछले बार के चुनाव की बात करें तो उसमें आप लोगों को हार मिली थी, इस बार चुनाव आप फिर से लड़ रहे हैं, तो पिछली बार ऐसी कौन सी गलती होगी, क्या कमी रह गई कि आप चुनाव हार गए, उस कमी को इस बार कैसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? पहले वो बात करेंगे क्या कमी रहेगी, कहाँ चूक हो गई थी पिछले बार, जहाँ इस बार आप लोग फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं इस बार। जी कमी तो मैं नहीं मानूंगा, अगर आप आंकड़ों पे ध्यान दें तो 2014 की तुलना में 2019 में करीब करीब हमें 146,000 वोट गाजीपुर में ज्यादा मिले। और भारतीय जनता पार्टी की परिप्रेक्ष्य से बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट कहीं सबसे ज्यादा बढ़ा तो वो गाजीपुर की धरती पे ही बढ़ा। मगर ये बात सत्य है कि जो गठबंधन का स्वरूप था, हम चुनाव शुरू किए 57-43 पे, कहने का मतलब 55% से ज्यादा वोटों का आंकड़ा उस गठबंधन के पास था। और उसके बावजूद भी पुरजोर प्रयास हमने किया और 2014 की तुलना में हम 146,000 मत ज्यादा भी पाए। मगर वो गठबंधन का स्वरूप ऐसा था कि उस गठबंधन के स्वरूप के जो वोटों का पहाड़ था, हम किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसको पार नहीं कर पाए। मगर जब मैं बात 2019 की करता हूं तो उसमें से एक बड़ा धर जो ओम प्रकाश राजभर जी का है, वो आज हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है। तो मैं अगर मैथमेटिकली बात करूं शुद्ध रूप से तो 2 लाख वोट पिछली बार के तुलना में हमारे विरोधियों के तो सीधे तौर पे घट गए हैं। और ओम प्रकाश जी के आने से मैं मानता हूं कि कुछ नहीं तो 75,000 से 80,000 वोट सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की झोली में बढ़ा है। और सबसे मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो गाजीपुर के आम जनमानस ने पिछले 10 वर्षों में 2 कालखंड देखा, एक कालखंड 2014 से 19 का और एक कालखंड 2019 से 24 का। तो गाजीपुर के एक एक समान जनता में ये आज के दिन में पश्चाताप है कि हमसे पिछली बार बहुत बड़ी भूल हुई और 2024 में उस भूल को हमें हर हाल में सुधारना है। जी अगर हम पिछला चुनाव देखें, 2014 का देखें जिसमें कि मनोज सिन्हा की जीत हुई थी, तो उस बार के चुनाव में सपा, बसपा और इसके अलावा कौमी एकता दल ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपके लिए थोड़ा रास्ते जो है ना उसमें आसान हुए थे। फिर जो अगला चुनाव आया उसमें सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी जिसमें सिन्हा जी चुनाव हार गए। इस बार का चुनाव है सपा और बसपा अलग है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि बीएसपी जो है वो वोट सपा के काटेगी, लेकिन बीएसपी ने राजपूत उम्मीदवार को उतारा है और ये खबर भी चल रही है कि राजपूत बिरादरी जो है, ठाकुर समाज है, वो भाजपा से नाराज है। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि बीएसपी से आपको खतरा है, उमेश सिंह जो है कहीं ना कहीं आपका गेंद बिगाड़ रहे हैं? मैं जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, कारण उसका मैं बताऊं जी कि गाजीपुर के लोगों ने भी पिछले 5 साल में अपना नुकसान सहा है और वो नुकसान गाजीपुर के विकास और गाजीपुर के लोगों के भविष्य का हुआ है। और ये लोग भली भांति समझ गए हैं कि देखिए प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। रही बात ये जो जाति विशेष और उसके हिसाब से मतों के बंटवारे की,
तो उसका प्रभाव मैं जी अभी तक गाजीपुर में नहीं देख रहा हूं। और जैसा मैंने कहा कि गाजीपुर के लोगों ने जो दो कालखंड देखा, तो उनको 2014 से 2019 के बीच जो विकास की अनुभूति हुई थी, 2019 से 24 में विकास ठप होने का मलाल जो है वो हमारे इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है। और उससे बढ़ के मैं बताऊं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाएं और महाराज योगी आदित्यनाथ जी की माफियाओं के प्रति, गुंडों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, ये गाजीपुर की धरती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 26 अप्रैल 2004 का लोकसभा चुनाव यहां हुआ था, और यही महोदय उस समय भी सपा के प्रत्याशी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा और पूरे देश को बताना चाहूंगा कि चुनाव वोटिंग शुरू होने के एक घंटे के भीतर दो दो लोगों की हत्याएं इसी गाजीपुर के धरती पे हुई थी। 250 से 300 बूथ इसी गाजीपुर के धरती पे लूट लिए गए थे। मगर आज कोई गुंडा माफिया हिमायत नहीं कर सकता कि तीखी आंख से गाजीपुर की सामान्य जनता की तरफ नजर उठा के भी देख सके। तो ये सुशासन का जो लोगों में अनुभूति हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है जी। ये जो माफिया वाला टैग है, इससे आपकी पार्टी को बहुत फायदा मिलता आया है कि फला आदमी माफिया है, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं जो आपके साथ आए थे कि हाँ भाई वो सामने वाला माफिया है, बदमाश। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा सा अलग है, लोग कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो असल माफिया वर्सेस नकल माफिया हो रहा है। नहीं, ये आरोप लग रहे हैं कि जो आपके प्रत्याशी हैं उन्होंने खूब नकल को व्यवसाय बना दिया, शिक्षा ने खूब जी। ये लोग, इनकी जो बुनियाद है वो झूठ के पुल पे ही बनी हुई है। अगर आप मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के रिजल्ट को उठा के देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष शीर्ष श्रेणी में जो प्रदेश में छात्र छात्राएं आती हैं, उनमें से उनका नाम आपको अवश्य मिलेगा। और मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूं कि हाल में ही आपने सुना होगा कि हमारी एक बड़ी बहन डॉक्टर संगीता बलवंत जी को राज्यसभा का सांसद पार्टी ने जी घोषित किया। वो आज भी मौजूद भी थी। वो उसी सबरी महाविद्यालय की छात्रा है। आप जरा दूसरे लोगों से पूछ लीजिए, उनके भी विद्यालय चलते हैं। एक बार वो अपना मेरिट लिस्ट निकाल दे, हमारे प्रत्याशी का मेरिट लिस्ट निकाल दे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों के पास ऐसे भी नाम है जो कहीं से पास नहीं हुए लेकिन यहाँ आकर पास हो गए। मैंने बताया आपको कि इन लोगों का जो बेसिक बुनियाद है वो झूठ के पुल पे ही निर्मित है। जो ये हम पे आंचल लगा रहे हैं, जरा एक बार आप उनसे पूछिएगा कि जब ये कम्युनिस्ट पार्टी से समाजवादी पार्टी में आने वाले थे तो तत्कालीन स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से इन्होंने क्या कहा था। और वो पेपर मैंने अपने आंखों से पढ़ा है कि मुलायम सिंह जी द्वारा उस पे लिखा गया है कि इसको उदाहरण के तौर पे प्रदेश में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी तो इनकी कृत रहे हैं, तो ये दूसरों पे क्या बात करेंगे। लोगों को भरमाना, लोगों पे झूठे आंचल लगाना, अपना खुद का कृत देखे। और ये माफिया की जो आपने बात कही, क्यों नहीं अभिनव सिन्हा पे कोई केस है, क्यों नहीं मनोज सिन्हा भी तो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं कोई केस उनपे ऊपर। जिसका जैसा कृत्य, अगर मान लीजिए आप कुछ अपराध करते हैं तो आपको मुझे अन्यथा न लें आप, मगर जैसा जिसका कृत्य होगा लोग उसको वैसा कहेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमेशा हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ा है। मगर ठीक है कि क्या संभावना है इस बार, कितने वोटों से इस बार आपको विजय प्राप्त होगा जी। देखिए, वोटों से कहना तो मैं अभी चाहूंगा नहीं, क्योंकि ये पार्टी की अपनी आंतरिक, क्योंकि जो आपके सामने वाले प्रत्याशी हैं दावा कर रहे हैं कि इस बार 2 लाख से 3 लाख से जीतूंगा। किसले जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस दिन 4 जून को काउंटिंग होगा, पहला फोन अगर आप किसी को बधाई का देंगे तो वो गाजीपुर के प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी होंगे, और मिठाई खिलाने में आपको खुद आऊंगा।
उनके दावों पे मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। साइंस का अगर मैं थोड़ा बात करूं तो जो जितना हॉलो होता है उसमें आवाज उतना ही ज्यादा होता है। अब आगे मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा जी। मनोज सिन्हा जी से कितने फोन पर बातचीत होती है, आप उनके पुत्र भी हैं, तो कभी चर्चा होती है राजनीतिक चर्चा गाजीपुर को लेकर कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, चूंकि उनकी पुरानी लोकसभा सीट भी रही है। जी नहीं, वो अब संवैधानिक पद पे हैं तो पार्टी के राजनीति से तो जी अब उनका कोई लेना देना रहा नहीं है। भाजपा में कई ऐसे राज्यपाल है ना कि राज्यपाल बनने के बाद से भी सक्रिय राजनीति में आ गए, तो इसलिए चर्चा उनकी भी हो सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, जब आएंगे तो फिर वो चर्चा होगी, मगर आज के डेट में जी उनका पूरा फोकस, उनकी पूरी एनर्जी जम्मू कश्मीर पे केंद्रित है। कभी ऑफ द कैमरा बातचीत तो होती होगी, आप हालचाल देते होंगे, गाजीपुर का ये हाल है, यहां के राजनीतिक समीकरण। बिल्कुल होती ही है और उनका समय समय पे मार्गदर्शन भी मिलता है, मगर वो पार्टी केंद्रित नहीं होता है। समाज के दृष्टिकोण से कुछ चीजें उनसे सीखने को स्वाभाविक है, चार दशक से ज्यादा उनका अनुभव रहा है इसी क्षेत्र में, तो कई मसलों पे हम उनसे विचार विमर्श करते हैं, मगर अब उनके पास जितना समय नहीं है कि वो गाजीपुर पे अपना समय जाया कर सकें, क्योंकि उनके प्राथमिकताओं में कहीं ना कहीं देश का मुकुटमणि जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है उसकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा है। बड़े नेता का पुत्र होना अपने आप में कई जगह उसका फायदा भी मिलता है, कई जगह नुकसान भी मिलता है, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि भाई आप सिन्हा जी के पुत्र हैं उसका फायदा मिल गया, या फिर कभी नुकसान उठाना पड़ा? जी अब ये बातें मैं कई बड़े नेताओं के पुत्रों में मिल पाया। मैं अब आपको बताता हूँ, ये बातें मैं अमूमन तो करता नहीं, मगर जब वो जी संचार मंत्री बने उसके पहले मैं एक टेलीकॉम कंपनी में बड़ा अच्छा काम कर रहा था, और जिस दिन इसका घोषणा हुआ उस दिन मैं ट्रेन से बनारस से दिल्ली जा रहा था, लोग बधाई देने आए, तो मैंने कहा कि आप लोगों को तो बड़ा खुशी हो रहा है, मेरा तो नौकरी गया। अच्छा। और अगले दिन जी मैं दिल्ली पहुंचा और उन्होंने कहा कि तुम अपना रेजिग्नेशन दे दो। मैं अपने उस समय तक 8 वर्षों के प्रोफेशनल कैरियर में सबसे ज्यादा कंटेंट कहीं था तो उस टेलीकॉम कंपनी में था। शायद वो टेलीकॉम मिनिस्टर न बने होते तो मैं वहां अपना जॉब कंटिन्यू करता, तो उसका लोगों को लगता है कि भाई टेलीकॉम मंत्री हो गए तो अब तो बेटा चांदी की कटोरी में खाएगा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। एक उदाहरण है, ऐसे तमाम किस्से हैं। मैं ज्यादा सामाजिक, अब आप राजनीति में आ गए हैं तो भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिनव सिन्हा, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।